लगा था कि मुंबई को कभी नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मुंबई के कपड़े में रणजी ट्रॉफी में अपना बैट और हेलमेट निकाल के मेरा पेपर में फोटो आया कि ऐसा 100 किया। सरफराज खान ने इंडियन टेस्ट टीम के दरवाजों पर ना सिर्फ दस्तक दी है बल्कि उस दरवाजे को शायद गिरा ही दिया है। वैसे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर क्रिकेट एक्सपर्ट का भी मानना है, लेकिन उनका यहाँ तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरफराज का जन्म तो मुंबई में हुआ था, उनका पूरा बचपन मुंबई के आजाद मैदान पर क्रिकेट खेलते गुजरा। उन्होंने अपना डेब्यू भी मुंबई के लिए किया। 2015 में कुछ कारणों की वजह से वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए और उत्तर प्रदेश की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने लगे। लेकिन कहते हैं ना, मुंबई वाले मुंबई से बाहर आ सकते हैं लेकिन मुंबई को उनके दिल से कोई नहीं निकाल सकता। 2019 में उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में वापसी की और खूब शतक बनाए, लेकिन उनमें से उनका फेवरेट था सिर्फ एक। इमोशनल हो गया था रणजी ट्रॉफी में जब मैंने 100 बनाया था। तो मैं आपको इसके पीछे एक एक, एक कहानी बताता हूँ। मैं जब मुंबई छोड़ के यूपी जा रहा था, कोई भी रीजन था जो भी था, मैं मुंबई छोड़ के यूपी जा रहा था और मैं मुंबई से 14, 16, 19, 25 रणजी ट्रॉफी भी खेल चुका था, सब क्रिकेट यहाँ से अपना खेला था। तो आई रिमेम्बर कि मैं अपना जम्बो थैली होती ब्लू कलर की, जिसमें आपको पता होगा कि उसमें सब पूरे मैं रणजी ट्रॉफी के कपड़े भर रहा था। और कपड़े भरने के बाद, जब मैं कपड़े भरने के बाद हम लोग ऊपर डाल रहे थे क्योंकि वो कपड़े का भी उस समय जरूरत नहीं था, तो मैं लिटरली मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे कि यार मेरा ड्रीम था कि मैं मुंबई के कपड़े में रणजी ट्रॉफी में 100 करूं। उसके बाद जब मैं मुंबई का कपड़ा पैक कर रहा था तब साइड में रखने जा रहा था, तब मुझे लगा था कि मुंबई को कभी नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मुंबई के कपड़े में रणजी ट्रॉफी में अपना बैट और हेलमेट निकाल के मेरा पेपर में फोटो आया कि ऐसा 100 किया करके। तो मैं रोने लगा था और मेरे घर वाले देख रहे थे क्योंकि मेरा सपना था वो। और फिर मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी खेल पाऊंगा। फिर मैं मुंबई गया, मुंबई से जब वापस मुझे यूपी आना था तो मैंने अब्बू को बोला कि अब मैं या तो क्रिकेट छोड़ दूंगा या तो कुछ करूंगा तो मुंबई से खेलूंगा। मैंने कूलिंग पीरियड लिया 1 साल का, मैंने 2 मैच क्लब मैचेस खेला, सब कुछ खेला। और एक यंगस्टर के लिए उतना इजी नहीं होता है कि डोमेस्टिक खेला और वो भी ऐसे पिक टाइम पे जब वो आईपीएल में है और अच्छा करियर चल रहा है, तो वो बहुत खराब टाइम था मेरे लाइफ का। और फिर मैं मुंबई को कमबैक किया और जब मैंने मुंबई के लिए 100 किया, वो सीधा ट्रिपल सेंचुरी था अगेंस्ट यूपी, तो वो एक ड्रीम, वो एक इनिंग अच्छी थी। और सेकंड ये था कि मैं मुंबई के लिए जब रणजी ट्रॉफी फाइनल मुझे खेलना है और फाइनल में जब मेरी टीम को ज़रूरत होगा तो मुझे 100 करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, रो दिया था, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था मुंबई के लिए फाइनल में सेंचुरी करना। तो सेंचुरी तो मेरे 7-8 हुई है जो भी हुई है, बट फाइनल वाला ज्यादा इमोशनल था, तो फाइनल वाली बेस्ट इनिंग थी मेरी अभी तक की।